द कश्मीर फाइल्स का नाम इन दिनों हर किसी की जुबान पर छाया हुआ है। हर कोई फिल्म देखने थिएटर जा रहा है, चाहे वो सेलेब्स हो या फिर फैंस। हाल ही में बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत भी फिल्म देखने थिएटर पहुंची थी और बोली थी कि इस फिल्म ने बॉलीवुड के पाप धो दिए हैं। कंगना के इस विवादित बयान पर अब राखी सावंत ने करारा जवाब दिया है। हाल ही में राखी डिजाइनर रोहित वर्मा के फैशन शो के दौरान हॉट अवतार में मौजूद थी। इस दौरान जब उनसे कंगना को लेकर बात की गई तो उनका कहना था, कश्मीर फाइल्स एक अच्छी फिल्म है और बॉलीवुड डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे हैं, सब पूरी जनता सपोर्ट कर रही है, लेकिन एक दीदी है वो पगला गई है। वो सबको कहती है कि सब बॉलीवुड के पाप धुल गए ऐसी फिल्म आके। कश्मीर फाइल्स बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन दीदी ये क्या आप दूसरों का नाम लेके बहती गंगा में आप क्यों हाथ धो रही है? दीदी ना, ओ दीदी, आप तो कभी भी कहीं भी घुस जाती है, किसी भी के मान न मान मैं तेरा मेहमान। दीदी क्या है दीदी? मियाँ खामखा दीदी क्या है दीदी? कौन से पाप, कौन सा धोना आप धो रही हो? दीदी पाप आपने किए हैं, आप अपने पाप कैसे धोएगी? दीदी कैसे क्या कर रही है? दीदी को क्या हो गया है? दीदी को थोड़ा 440 का झटका लगवाओ भैया। क्या कर रही है दीदी? वहाँ पे लोकअप में आप अपना अच्छा दिखाओ ताकि मेरे सलमान खान की तरह अच्छा शो सुपरहिट हो। दीदी ये कहाँ क्या कमेंट कर रही हो दीदी? कहाँ दीदी, कहाँ को मैं शांति से बैठती हूँ, आप वापस मेरे को जगा देती हो? दीदी मैं आपको पीछे नहीं पड़ना चाह रही। दीदी आप ऐसा मत बोलो मेरी इंडस्ट्री के लिए, तुम वहीं से आई हो, तुम्हारी रोजी रोटी वहीं से आई है, तो मेरी फिल्म इंडस्ट्री वालों को और मेरी फिल्म इंडस्ट्री को कुछ फालतू मत बोलो। हर कोई अपना काम करता है। कश्मीर फाइल्स एक अच्छी फिल्म है, पूरे देश की जनता उसे देख रही है, पसंद कर रही है और सुपरहिट हो भी गई है। तो बस दीदी आप बहती गंगा में हाथ न धोएं, प्लीज आप बाथरूम में जाके हाथ धोएं, नहा भी ले। इसके बाद राखी बोली, मुझे लगता है कि पूरा बॉलीवुड, पूरे देश की जनता, हर कोई कश्मीर फाइल्स जो फिल्म को देखें और सराहें, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब एक छोटी फिल्म सुपरहिट होती है। मैं भी एक फिल्म बनाने वाली हूँ, मैं भी 2-4 फिल्में बना रही हूँ, वेब सीरीज बना रही हूँ, हमारी भी छोटी बजट की है, तो मैं चाहती हूँ कि डेफिनेटली हमें भी सपोर्ट मिले। क्योंकि मेरे ब्रदर राकेश ने भी कश्मीर पे फिल्म बनाई थी, हम लोग ने 400 थिएटर में रिलीज करी थी, तो हम लोग ने मुद्दा 370 हम लोगों ने फिल्म बनाई थी कश्मीर फाइल्स पे। बट उस टाइम पे हमें हम प्लेटफॉर्म नहीं, नहीं अभी की बात है, हम लोग को थिएटर मिले थे, यू नो PVR जैसे थिएटर मिले थे, बट हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। बट हमने कभी किसी को नहीं बोला कि बॉलीवुड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, बट हम कभी नहीं बोला कि हमने क्यों नहीं सपोर्ट मिला, नहीं, जितना हमसे बनता है हमने रिलीज किया। इस इवेंट में राखी का हॉट एंड बोल्ड अवतार देखने लायक था। INS रिपोर्ट।